हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपने प्रीवियस वीडियो से कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में अब हम एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर याद दिला दूं, हम कर रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 11th और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1। तो ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं, यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट एंड वाई। नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उनमें से, उन सेट्स में से कौन कौन से सेट्स नल हैं और क्यों हैं। क्लियर? कम टू द फर्स्ट पार्ट, वी आर गिवन ए दैट इज 0। क्लियर? देखिए, नल सेट मीन्स एक ऐसा सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, नॉट इवन ए सिंगल डॉट एज एन एलिमेंट। कुछ भी नहीं होना चाहिए उस सेट के अंदर, तभी वो नल सेट कहलाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इस सेट में 0 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए नल सेट। इट इज़ नॉट ए नल सेट। वाई का मतलब भी कारण बताना है, तो बिकॉज 0 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 एटलीस्ट इस सेट को बिलोंग कर रहा है। देखिए, किसी भी सेट को नल सेट तब कहेंगे जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कोई ऐसा एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए जो उसको बिलोंग करता हो। और आप ये देखिए कि 0 इज़ बिलोंगिंग टू सेट ए, अगर एक सिंगल एलिमेंट भी उसको बिलोंग कर गया तो वो नल सेट नहीं होगा, तो ए इज़ नॉट अ नल सेट। क्लियर? सेम कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वर्बली भी बताऊंगी। कम टू द सेकंड पार्ट, बी एक्स, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये देखिए, हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x क्या बनेगा भाई, 3 माइनस 3 0, यानी उस सेट में जो एलिमेंट आएगा वो 0 आएगा। इट इज़ नॉट अगेन अ नल सेट, ये भी एक नल सेट नहीं है। कम टू द थर्ड पार्ट, x, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कम टू द थर्ड पार्ट, तो जब देखिए आप इस चीज़ को समझें कि सेट का नाम है सी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होना चाहिए। लेट अस सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, यानी वो दो एलिमेंट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो प्लस और माइनस 1 थे, तो सी में दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक माइनस का 1 और एक प्लस का 1। क्लियर? क्या ये एम्प्टी सेट है भाई, क्या ये नल सेट है? नो, टू एलिमेंट्स आर बिलोंगिंग टू दिस सेट, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ नल सेट। इट इज़ नॉट अ नल, नल एन यू डबल एन नल सेट। ओके, सेम इज़ योर फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स, वाई स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई स्केयर इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। क्लियर? तो ये भी अपना नल सेट नहीं है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन, ये थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ पार्ट, नेम ऑफ द सेट इज ई वाई, वाई क्यूब 27 है और वाई 2 है। ऐसा क्वेश्चन हमारे थर्ड क्वेश्चन में एक पार्ट आ चुका था, और मैंने आपको बताया था कि इस तरह की दो कंडीशंस जब भी आपको दे रखी हैं तो यू हैव टू चूज़ अ कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ ऑफ देम। आपको एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए, दिस इज़ वाई इज इक्वल टू 2, 2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 क्यूब 8 आएगा, एंड 8 इज़ नॉट इक्वल टू 27। तो आप क्लियरली लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 इज नॉट सेटिस्फाइंग, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट नो कॉमन सॉल्यूशन, y क्यूब इज इक्वल टू 27। मीन्स इन दोनों के लिए हमारे पास कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ रही है, तो दोनों में कोई कॉमन तो नहीं है ना। तो इन दैट केस e में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, एंड हेयर वी कैन से दैट इट इज एन एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। एम्प्टी बोलिए, नल बोलिए, वॉइड बोलिए, सब एक ही बात है। क्लियर? नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट, बिल्कुल सेम है, प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। क्लियर? जी, एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज नेगेटिव, मीन्स हमने एक ऐसा नंबर लेना है जो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो।
दिस इज़ द लास्ट पार्ट. जी एक्स एक्स इज पॉजिटिव एंड एक्स इज नेगेटिव. तो आप थोड़ा ध्यान कीजिए कि जीरो इज द ओनली नंबर विच इज़ इंक्लूडेड इन. देखिए जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, जो नंबर्स नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव नहीं होते हैं, बट जीरो इज़ द नंबर विच इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके, तो दिस इज अगेन नो, नॉट एन एम्प्टी सेट. तो ये अपना बहुत ईजी सा था क्वेश्चन नंबर 4. कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए हैं भाई, कुछ आप ट्राई कर लीजिएगा. दिस इज़ द वे टू राइट. सेट लिखा, इट इज़ नॉट ए नल सेट बिकॉज दिस एलिमेंट इज बिलोंगिंग. एक ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है थर्ड पार्ट कि सी लिया, इसको सॉल्व किया, ओपन किया, सॉल्यूशन लिखा, इट इज़ नॉट ए नल सेट. कारण बोल रहा है, वाई बोल रहा है, लिख दीजिए बिकॉज माइनस वन बिलोंग्स टू सी एंड वन बिलोंग्स टू सी, दो एलिमेंट्स उसको बिलोंग कर रहे थे, इट इज़ नॉट ए नल सेट. तो ये मैंने आपको प्रॉपर वे से बता दिए. तो प्लीज़ ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व इन योर फेयर नोटबुक विद इन ए प्रॉपर मैनर. देखिए प्रेजेंटेशन के बड़े नंबर होते हैं, प्रेजेंटेशन आप जितनी अच्छी रखेंगे उतने ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1. अगेन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है, आपको फिर से कुछ सेट्स दे रखे, आपने बताना कौन से फाइनाइट है कौन से इनफाइनाइट है. तो वी विल डू इट वर्बली, जहाँ सॉल्यूशन आएगा देन आई विल टेल यू. मैं आपको फिर रिवाइज करा देती हूँ. फाइनाइट सेट, अ सेट हुज एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट्स फाइनाइट हों, गिने जा सकें, वो फाइनाइट सेट. जिस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट ना हो, गिने ना जा सके, वो इनफाइनाइट. 1, 2, 3, 9, 9, 9,000. कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 1,000 एलिमेंट्स हैं, काउंटेबल हैं. यस, इट इज़ अ फाइनाइट सेट. क्लियर? ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है 1, 1, 2, 2 मार्क्स के. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1,000, 1,000 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर. अगर ये छोटे बोलता तो यही सेट आ जाता, बस उसमें 1,000 रह जाता. लेकिन 1,000 से बड़े यानी 1,001 से लेकर एंड एंडलेस हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. थर्ड पार्ट है भाई आपका एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो थर्ड पार्ट है आपका, सपोज ए नाम दे देती हूँ मैं सेट को, तो एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म को ओपन करेंगे तो आप हर कंडीशन को ध्यान रखेंगे. हमने कहा कि नेचुरल यानी हम, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि x नेचुरल हो और x इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता हो, कॉमन टू बोथ. तो देखिए जब हम लेते हैं कि when x square is equal to 4, then taking square root both sides, x की दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 2. तो इसको सेटिस्फाई करने वाली दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस 2, बट हमें नेचुरल भी चाहिए. बट x इज नेचुरल ऑल्सो, तो इसका मतलब x की केवल और केवल क्या वैल्यू रह जाएगी? 2. तो a की जो वैल्यू आएगी वो a सेट में जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? ओनली 2. एंड इट इज़ अ फाइनाइट सेट एज वेल एज सिंगलटन भी हम इसको कह सकते हैं. बट उसने पूछा नहीं है सिंगलटन है या नहीं, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, मैं आपको याद दिला रही हूँ कि इट इज़ अ सिंगलटन सेट. क्लियर? एंड कम टू द लास्ट पार्ट, ये बिल्कुल इजी है, सॉल्व कीजिए. तो x की वैल्यू एक 1 आएगी, एक 2 आएगी, बोथ आर नेचुरल, वी कैन काउंट. तो ये भी फाइनाइट सेट हो गया. क्लियर? तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5. नाउ बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, देखिए स्टूडेंट जो अपनी 1.1 है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट वेदर a इज इक्वल टू b और नॉट. ए एंड बी आर टू सेट्स गिवन और आपने बताना है वो इक्वल है या नहीं. इक्वल के लिए आपने दो कंडीशंस देखनी है. पहली कंडीशन क्या होगी? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी. कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर बी के इक्वल होना चाहिए, यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स उतने ही एलिमेंट्स हमारे बी में होने चाहिए. और सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? ए एंड बी मस्ट हैव सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम एलिमेंट्स. क्लियर? तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं है दैट आई विल टेल यू फ्रॉम द बुक. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए, 4, 8, 12, 16. सेकेंड पार्ट बी,
8, 4, 16, 8। देखिए अब देखने में तो हमें ऐसे लगता है कि दोनों में चार चार एलिमेंट्स, और जल्दी जल्दी में कई बच्चे गलती भी कर जाएंगे कि सेम है, बट ध्यान दें 8, 4, 12, इसमें 12 नहीं है, क्लियर। और इसमें 8 दो बार आ रहा है, तो हमने ये पढ़ा था कि सेट में एक एलिमेंट को एक ही बार काउंट करते हैं, तो जो बी का कार्डिनल नंबर है वो 4 नहीं है। रिपीटेड एलिमेंट इज़ काउंटेड ओनली वंस इन अ सेट। तो हम क्या लिखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए 4 है और कार्डिनल नंबर ऑफ बी 3 है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, दैट्स वाई सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है हमारी, तो हम इक्वालिटी शो नहीं कर पाएंगे, इक्वालिटी होगी ही नहीं। सेकंड, ए में है 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, और ये ध्यान दें x रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर में दे रखा है, ये रोस्टर में है, ये सेट बिल्डर में है। x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, यहीं सारी बात आ गई। इवन 2, 4, 6, 8 लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब 10 भी और 10 से लेस भी, तो सेम एलिमेंट्स आ गए, तो यस ए इज इक्वल टू बी। हाउ विल यू राइट, क्लियरली कार्डिनल नंबर ऑफ ए 5 है, बी को आप ओपन करके लिखेंगे पहले 2, 4, 6, 8, 10, दिस इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी, एंड ए एंड बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये आप लिख लीजिएगा। थर्ड में देखिए ए एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये ध्यान से देखें x b क्या है, x x इज पॉजिटिव इंटेग्रल रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 15, 5 में से 3 गए 2 और 5 3 जा 15, तो ये बन जाएगा माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड इट विल बी एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड इट विल बी एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। वी गेट टू सॉल्यूशन फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट वी आर गिवन पॉजिटिव इंटेग्रल रूट, दोनों ही इंटीजर हैं, बट हम लिखेंगे एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, तो एक्स की सिंगल वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो जो हमारा बी सेट होगा उसमें एक एलिमेंट आएगा 5, ए में भी एक ही एलिमेंट आ रहा है 5, इट मीन्स बोथ आर इक्वल सेट्स, क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, ए आपको गिवन है, जस्ट हैव ए लुक, दिस इज फोर्थ पार्ट, ए हमें गिवन है एक्स, वो एक्स जिनका मॉडुलस लेस देन 2 है और इंटीजर है, देखिए ये बड़ी डीप बात है, इंटीजर रियल नहीं है, और बी हमारा है माइनस 1 और 1, तो बी तो हमें क्लियर दिख रहा है कि इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, 1 इज 1 एंड अदर इज माइनस 1। यहाँ हमें वो इंटीजर्स लेने हैं जिनका मॉडुलस 2 से कम हो, तो नंबर लाइन मैंने आपको बोला है कि हर चीज़ के लिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए और आपको डाउट है ड्रॉ ए नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, -1, हमने इंटीजर्स ही हाईलाइट किए हैं जिनका मॉडुलस 2 से कम हो, तो इसका मॉडुलस 1 आएगा, इसका मॉडुलस 0 आएगा और इसका मॉडुलस भी 1 आएगा, तो ये तीनों के मॉडुलस 2 से कम होंगे। मॉडुलस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, हमें साइन नहीं देखना, सिर्फ उनकी वैल्यू देखनी है, तो ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ये आएंगे माइनस 1, 0, जो नंबर न्यूमेरिकली 2 से लेस हैं, मॉडुलस का ये मतलब है, और बी में हमारे आ रहे हैं भाई माइनस 1 और 1, तो कार्डिनल नंबर ही सेम नहीं आ रहा, तो वी विल राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर। एंड सेम इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल सेट्स, फर्स्ट में हमें दे रखा है 1, 2, 3, 4 सेट, ध्यान से देखिए ए बी सी तीन एलिमेंट हैं, सी ए बी ए, आपको मैं बता चुकी हूँ सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स एक ही बार काउंट होते हैं, ए दो बार आ रहा है इसे हम छोड़ देंगे, तो सी ए बी ए बी सी, यहाँ भी फिर से वही ए बी सी, बी रिपीटेड है काउंट नहीं करेंगे, ए बी सी सी तीन बार आ रहा है एक ही बार काउंट करेंगे, तो ऑल दीज फोर सेट्स आर इक्वल,
क्लियर क्लियर, क्योंकि ये देखिए सभी में हमारे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सेम ही एलिमेंट्स। कम टू द सेकंड पार्ट, 1 2 3 1 2 3, चार सेट से ध्यान देंगे, दो ये हैं, इसमें 1 2 3 आ गया, इसमें 1 2 3 आ गया, इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन आएगा ओनली 1 एंड 1। क्लियर, x माइनस 1 होल स्क्वेयर है और ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन 1 2 3 समथिंग आएगा। आई सॉल्व इट फॉर यू, ये देखिए ये पार्ट मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। नंबर टू में चार सेट हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकंड पार्ट है, ए है आपका 1 2 3, बी है आपका x जिसको हमने लेना है x² - 2x + 1 = 0। तो ये देखिए एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये बन रहा है x - 1 होल स्क्वेयर = 0। तो इसके दोनों सॉल्यूशंस में केवल और केवल 1 आएगा। क्लियर, थर्ड सेट इज सी, दैट इज अगेन 3 2 1, एंड फोर्थ इज डी, x³ - 6। ये है स्टूडेंट्स x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। तो अब हम इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है कि आपको नाइन्थ क्लास में आ जाते हैं भैया कि आपने इसका वन रूट, क्योंकि ये क्यूबिक है इसके तीन रूट्स होंगे, तो आप इसका जो वन रूट है वो हिट एंड ट्रायल मेथड या 6 को फैक्टराइज करके भी, लास्ट टर्म को फैक्टराइज करके निकालें। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -1 -2 कुछ भी हो सकता है, और उससे फिर इसको डिवाइड करें तो वो बड़ा लेंथी हो जाएगा। इंस्टीड ऑफ दैट एक बड़ी शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि एक स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने इक्वेशन को यहाँ फिर से लिखा, x³ - 6x² + 11x - 6 = 0। और हम पीछे से शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि मैंने यहाँ -6 लिखा और उससे पहले की जो टर्म है 11x, इसे मैं ऐसे फैक्टराइज करूँ कि उसमें 6 यूज हो जाए। क्लियर, तो 11 को मैं 6+5 कर सकती हूँ, तो 6 मैंने यहाँ लिखा +5x, ओके। अब ये आ गया हमारा 5x और उससे पहले की टर्म में 6 है, इसको भी 5 के साथ ब्रेक करना है, तो -1 - 5, इसको मैंने लिखा -5x² - x² और ये टर्म एज इट इज। व्हाट आई डिड, आई एक्सप्लेन यू वंस अगेन, x³ यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, बीच की दो टर्म्स को मैं ब्रेक कर रही हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। पीछे से 6 हैं तो इसको मैंने 6 जमा 5 कर दिया, -6x² है तो इसे मैंने -5 - x² कर दिया और ये एज इट इज। इसका हमें क्या बेनिफिट होगा, ये नाइन्थ क्लास का मेथड है भाई, इन दो टर्म्स में से x² कॉमन आएगा, इट विल बी x - 1, इन दो टर्म्स में से -5x कॉमन आएगा, इट विल बी x - 1, इन दो टर्म्स में से 6 कॉमन आएगा, x - 1 = 0। आप देख सकते हैं x - 1 तीनों टर्म्स में है, तो x - 1 कॉमन आ जाएगा, ये x - 1 कॉमन हो गया, तो ये बचा x² - 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसे आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, तो ये आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे x - 2 x - 3 = 0, और x की जो वैल्यू आई वो आपकी 1 2 3 आई, तो सेट डी भी आपका क्या बन जाएगा, 1 2 एंड 3। क्लियर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए सी एंड डी आर इक्वल, तो हम इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। बी अलग है सेट इनमें से, तो बी इनके इक्वल नहीं होगा। क्लियर, अभी मैं ये वैसे तो अपनी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन मैं ये क्यूबिक का आपको एक तरीका और बता देती हूँ सॉल्व करने का, कि देखिए ये लास्ट टर्म थी 6 और 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 1 प्राइम नहीं है फिर भी हम 1 को ले लेते हैं, तो 1 2 3 आया, तो आप एक बार इसमें 1 या -1 रख के देखें, 2 या -2 3 या -3। तो मैंने सपोज कर लिया कि मैंने यहाँ 1 रखा पूरी इक्वेशन में, तो ये बना 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 1 रखा तो ये बना 1 1² - 1 - 6 + 11 - 6 = 11 = 12 ये 0 = 0 आ गया। क्लियर, तो x = 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, तो अब इसका एक तरीका ये है कि x = 1 है तो 1 को लेफ्ट में ले आएं, x - 1 आएगा, इस इक्वेशन को आप x - 1 से डिवाइड करें, जो डिवाइजर आएगा उसको 0 के इक्वल करें, वो भी लेंथ ही पड़ता है,
इसके अलावा एक और तरीका है जिसे हम सिंथेटिक डिवीज़न कहते हैं, जो बीए क्लासेस में आपका आ जाता है, कि आप डिवाइड करने के लिए क्या कीजिए कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपको कंटिन्यूस लेना है, थ्री के बाद ये क्यूबिक इक्वेशन है तो आपने पहले क्यूब वाले का कोफिशेंट लेना है, फिर स्क्वेयर वाली टर्म का कोफिशेंट लेना है, फिर आपने सिंगल टर्म का ये लीनियर टर्म का कोफिशेंट लेना है, फिर कांस्टेंट लेना है। अगर बीच में कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी जगह पर आपने जीरो लगा देनी है। देखिए एक्स क्यूब का कोफिशेंट हो गया 1, स्क्वेयर का हो गया -6, थोड़ा गैप पे लिखेंगे, ये हो गया 11 और ये हो गया -6, और ये 1 है तो आप यहाँ पर एक बार 1 लिख लीजिए। और आगे हम क्या करते हैं कि ये 1 यहाँ एज इट इज आ जाएगा, क्लियर, तो 1 1 जा 1, ओके, और -6 और 1 को ऐड कर लीजिए। ये एज इट इज लिखना, ये जो टर्म है ये यहाँ एज इट इज लिखनी है हमने, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट को यहाँ लिखना है, क्लियर। तो -6 + 1 ये हो गया -5। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, 1 और -5 की प्रोडक्ट को यहाँ लिखना है, तो 11 में से 5 गया 6। अब 6 और 1 की प्रोडक्ट, ये ऐड करना है, यहाँ सबट्रैक्ट नहीं करना। अब 1 और 6 की प्रोडक्ट को यहाँ लिखना, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये 100% जीरो आएगा। और ये जो टर्म आपकी बचती है, ये क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशियंट्स थे, तो ये अब क्यूबिक से एक कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशियंट हैं, और इससे रिलेटेड जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये स्क्वेयर का कोफिशियंट है x² -5x + 6 = 0, जो कि यहाँ पर भी हमारी यही टर्म आई हुई थी, और इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x = 2 and 3। तो ये दो नहीं बल्कि 3 तरीके हो गए हैं। ये मेथड 9th में है, ऐसा ही एक मेथड और 9th में है कि आप x-1 से इसको डिवाइड करें, जो आपका वो कोशेंट आएगा उसको, एक कोशेंट यही आएगा x² - 5x + 6 = 0, उसको आप = 0 करें, यू विल गेट अदर टू रूट्स। अदरवाइज ये सिंथेटिक डिवीजन है, तो आपको इसमें से जो भी बेटर लगता है यू कैन यूज़ दैट मेथड। तो स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एलिमेंट्स कम्प्लीट, और जिन स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी मैथ्स करना है वो उसके क्वेश्चंस देख लेंगे, तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज में रिपीट हो गए, फिर भी आपको कोई डाउट है उसको ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और आपका कोई सजेशन है तो वो भी वेलकम है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।